सो अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता, एबीसी भी नहीं आती, तो तुम्हारे लिए कोड स्टूडियो पर गाइडेड पाथ्स हैं। जैसे हम बोल देते हैं एरेस के 20 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कौन से करें, बहुत लोग पूछते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करें, तो वहां पे हमने पूरा दे रखा है एरेस के कौन से 20 क्वेश्चन करने चाहिए, राइट। तो वो क्वेश्चंस भी गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है जो तुम्हें वहां पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। Welcome to this video on Is Code Studio Useful by Coding Ninjas? Myself Vishesh and I will be taking you through this video. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Code Studio यूजफुल है या नहीं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल लाइक बिगनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लोग इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो उनके लिए कैसे ये यूजफुल है हम ये पूरा देखेंगे, राइट। सो ये बेसिकली इंटरव्यू प्रिपेरेशन प्लेटफॉर्म है बाय कोडिंग निंजास एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, राइट। सो तुम्हें कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई पे नहीं करनी, राइट। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट, रिगार्डिंग कोडिंग एंड इंटरव्यू प्रिपेरेशन, राइट। सो वी विल बी लुकिंग एट दोज थिंग्स इन अ फ्यू मिनट्स, राइट। सो इफ यू want to enjoy this video, make sure you watch the video till the end, and if you like our content then stay subscribed to Coding Ninjas for more such amazing videos, right. So we will be keep bringing these videos. If you like these videos, share these videos and subscribe to our Coding Ninjas channel. So without any delay, let's begin. So guys, start करते हैं सबसे पहले question पे, क्या Code Studio useful है? So guys, yes, it is very useful and it is useful for all levels of people like beginners, intermediate level of people and advanced people, right? So मैं हर level के लिए अलग अलग समझाऊंगा, right? So beginners से start करते हैं guys. So अगर तुम्हें programming में कुछ भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती, तो तुम्हारे लिए Code Studio पर guided paths हैं. So हमारे पास बेसिकली थ्री गाइडेड पाथ्स हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ C++, बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड बेसिक्स ऑफ जावा। सो अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं करा प्रोग्रामिंग में, तो तुम किसी भी एक गाइडेड पाथ को इन तीनों में से पकड़ लो एंड उसको पूरा सीखो, पूरा करो, आई मीन एंड टू एंड उसे सीखो। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम बेसिकली अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू कर दोगे, राइट। सो इन गाइडेड पाथ में तुम्हें क्या मिलेगा, इनमें नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, तुम्हें कोडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो ये तुम्हें पूरा तुम्हारे प्रोग्रामिंग करियर को स्टार्ट दे देंगे, राइट। अगर बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता, तो उनमें से एक गाइडेड पाथ कर लो, तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, C++, पाइथन और जावा में से एक कर लो, राइट। सो ये बिगनर्स के लिए, एंड अभी और इधर उधर हाथ मत फैलाना, क्योंकि वो अभी तुम्हारे लिए नहीं है, बिकॉज यू आर अ एब्सोल्यूट बिगनर, राइट। तुम्हें अभी कुछ नहीं आता, सो तुम्हें ये करने से तुम्हें सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे दैट यू कैन शो दैट आई हैव लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो ये कर लेना, बिगनर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी यूजफुल है, राइट। इन तीनों में से एक गाइडेड पाथ कर लेना, राइट। सो गाइज, नाउ हम इंटरमीडिएट पीपल के लिए डिस्कस करते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर रखी है, राइट। सो अभी उनको DSA पर फोकस करना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर, राइट। सो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने DSA स्किल को अपस्किल करने के लिए, राइट। सो DSA को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें काफ़ी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लाइक आई थिंक 200, 300, 400 इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे, राइट। सो DSA के, सो इसके लिए कोड स्टूडियो पर तुम्हारे लिए बेस्ट पाथ है, दैट इज़ द डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स गाइडेड पाथ, राइट। तो उसमें क्या है ना, जैसे हम बोल देते हैं एरेस के 20 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कौन से करें, बहुत लोग पूछते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करें, तो वहाँ पे हमने पूरा दे रखा है एरेस के कौन से 20 क्वेश्चन करने चाहिए, राइट। सो उसमें भी कैडेंस एल्गोरिथम के कौन से क्वेश्चन, टू पॉइंटर्स के कौन से क्वेश्चन, राइट, स्ट्रिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन, तो वो सारा पूरा दिमाग लगा के बनाया गया है कि तुम्हें इन क्वेश्चंस करने से क्या हेल्प होगी, राइट। तो वो क्वेश्चंस भी गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है जो तुम्हें वहां पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एंड अगर तुम्हें क्वेश्चन खुद से नहीं होता, तो तुम सॉल्यूशन भी देख सकते हो, एंड वो सॉल्यूशन भी C++, जावा एंड पाइथन तीनों में अवेलेबल है, राइट। वहां पे हिंट्स भी मिलेंगे, तुम हिंट्स भी देख सकते हो। तो इंटरमीडिएट पीपल को अभी DSA पर फोकस करना चाहिए, राइट, उसके वेरियस क्वेश्चंस करने चाहिए। अब क्या होता है, जनरली तुम ये गाइडेड पाथ तो कर लोगे, राइट, बट फिर भी तुम 20-25 क्वेश्चन करोगे हर टॉपिक के, हो सकता है तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आए, तो इस
राइट, हो सकता है इसमें कॉन्फिडेंस ना आए, तो तुम क्या कर सकते हो, कोड स्टूडियो पर ही इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम पेज है, ठीक है, वहाँ पे आई थिंक 2000 प्लस प्रॉब्लम्स है, राइट, तो तुम वहाँ पे जाके फिल्टर लगा के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, लाइक ग्राफ का तुम फिल्टर लगा सकते हो या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग का फिल्टर लगा के वहाँ पे वेरियस क्वेश्चंस आ जाएंगे जो तुम्हारे गाइडेड पाथ में नहीं होंगे, राइट, जो तुमने पहले नहीं करे होंगे, तो तुम उनको कर सकते हो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, राइट। सो तुम पहले गाइडेड पाथ कर लो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो तुम वहाँ पे प्रॉब्लम स्पेस पर जाके, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट, क्योंकि तुम गाइडेड पाथ से तो सीखोगे कैसे करना है कैसे नहीं, एंड जब रियल प्रैक्टिस करोगे ना प्रॉब्लम स्पेस पर, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड गाइडेड पाथ में भी अराउंड 350 to 400 प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें काफ़ी अच्छा मास्टर करने में, डी एस ए मास्टर करने में हेल्प करेंगी, राइट। सो मेक श्योर इंटरमीडिएट पीपल अभी DSA पर ज़्यादा फोकस करें, उनको कंपनी वाइज क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी DSA पर फोकस करो, DSA को मास्टर करो, एंड जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उतनी प्रॉब्लम्स करो हर टॉपिक की, राइट। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर इंटरमीडिएट पीपल, राइट। सो गाइज, अगर तुम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स करना चाहते हो, देन देयर आर अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल ऑन कोडिंग निंजास वेबसाइट, लाइक दे आर अवेलेबल इन C++, जावा एंड पाइथन, राइट। सो इफ यू डू दिस कोर्स, देन यू विल बी लर्निंग ईच कंसेप्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विल बी टॉट टू यू इन डेप्थ एज वेल एज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, राइट, यू देयर विल बी कोडिंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड MCQs एज वेल फॉर यू, राइट। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस कोर्स, राइट। सो गाइज, नाउ हम डिस्कस करते हैं एडवांस पीपल के लिए, राइट। सो तुमने DSA काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया, राइट, तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है अभी, राइट। सो अभी तुम्हें क्या इंटरव्यू स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, सो हमारे पास गाइडेड पाथ है इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, राइट। एक दो महीने पहले इंटरव्यू से तुम्हें ये गाइडेड पाथ चूज करके यहाँ से 100 to 120 प्रॉब्लम्स हैं वो कर लेनी चाहिए, तो तुम्हारा फ्लो बन जाएगा इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, राइट। और उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते वक्त तुम पेन पेपर पर भी सॉल्व कर सकते हो अगर इंटरव्यू फिजिकल है, अदरवाइज तुम गूगल डॉक पर लिख के देख सकते हो, क्योंकि जूम कॉल में ऑनलाइन हायरिंग में ऐसा ही होता है, राइट, तुम्हें वहाँ पे गूगल डॉक में कोड लिखना पड़ता है, तो तुम वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ये 100 to 120 प्रॉब्लम्स, राइट। सो ये तुम्हारा हो जाएगा, तुम बेसिकली फ्लो में आ जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। एंड उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कोड स्टूडियो पर काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंसिस हैं, तो वो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसिस हैं, एंड अराउंड 500 प्लस एक्सपीरियंसिस हैं, राइट। सो उनको पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो तुम गूगल के लिए ये एक्सपीरियंसिस पढ़ सकते हो, अमेजोन के लिए पढ़ सकते हो, फ्लिपकार्ट के लिए पढ़ सकते हो, राइट। सो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट एक्सपीरियंसिस है वो तुम पढ़ सकते हो, राइट, एंड तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ पे हम बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो तुम्हें यदि कंपनी स्पेसिफिक होना है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा या 15-20 दिन बाद इस कंपनी के लिए इंटरव्यू है, राइट, तो तुम उस कंपनी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस चूज कर सकते हो, तो हमारे पास लिस्ट है, राइट। सो टॉप 100 अमेजोन के क्वेश्चन, टॉप 100 गूगल के क्वेश्चन, ऐसी लिस्ट है, तो तुम उस लिस्ट पे जाके वो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया हमारा बेसिकली कि तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी जब तुम एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना, तो तुम उसमें देखोगे कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ DBMS के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर कुछ अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। सो ये कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स है, अगर तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हो तो हो सकता है तुमने ये सब्जेक्ट्स ना पढ़े हो, राइट। सो इनके लिए भी कोड स्टूडियो पर अमेजिंग गाइडेड पाथ्स हैं गाइस, तो उसमें नोट्स हैं, सेम MCQ हैं, राइट, और वो MCQ बेसिकली इंटरव्यू प्रॉब्लम से ही उठाए हुए हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, राइट। सो वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। सो तुम इनके रिगार्डिंग भी गाइडेड पाथ्स पढ़ सकते हो, राइट। सो देर आर अमेजिंग गाइडेड पाथ्स फॉर दीज एप्टीट्यूड OS, DBMS, CN एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल, राइट। अभी ये तुम्हारा इंटरव्यू के लिए पूरा हो जाएगा, अगर तुम कुछ नई स्किल सीखना चाहते हो लाइक डेवलपमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, देन देर आर ऑल्सो गाइडेड पाथ्स फॉर दीज स्किल्स एज वेल। जैसे तुम जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी गाइडेड पाथ है, राइट। सो मैं रेकमेंड करूँगा एक बार सारे गाइडेड पाथ एक्सप्लोर कर लो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम बिगनर हो तो उसी के रिलेटेड एक्सप्लोर करना, राइट। सो ज़्यादा इधर उधर मत देखना, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट, एक चीज़ पे फोकस रखना। तो ये सारे गाइडेड पाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन करे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और
वेब डी में जाना चाहते हो तो उसके रिलेटेड भी गाइडेड पाथ्स हैं, राइट। सो आई थिंक ये सारा था कोड स्टूडियो के बारे में। अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये यूज़फुल है, राइट, इसलिए मैंने बोला था कि हाँ ये काफ़ी यूज़फुल है। एंड अगर तुम्हें स्विच करना है या फिर जॉब फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, राइट, तो भी तुम इसके जो 100 120 क्वेश्चन है वो लगा लोगे ना तो तुम्हारा फ्लो बन जाएगा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू इन प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू गाइज।